हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जितने भी इम्पॉर्टेंट अभी ऐप लॉन्च हुए हैं उन सबको हम लोग जल्दी से एक बार एक ही क्लास में रिवाइज कर लेते हैं। इस सेशन के लिंक को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा, सो दैट वो भी प्रॉपरली इसको रिवाइज कर पाएँ। अभी मत सोचना मैम, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, जो आपसे इसको शेयर कर देना, ठीक है। इसके अलावा आपके दो क्लासेस चल रहे हैं और ये दोनों क्लासेस आपके नेक्स्ट वाले वीक से चेंज होंगे, और वो क्या रहेगा वो आपको पता चल जाएगा आज शाम तक कि कौन से नए टॉपिक्स आपके लिए आने जा रहे हैं। घटना चक्र के अंदर आपका हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, बता ही देते हैं, और यहाँ पे आपका MTS का मॉक स्टार्ट होने जा रहा है पूरे एक हफ्ते के लिए, जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, दैट मीन्स पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस, और इसके साथ में करंट अफेयर्स भी। तो ये पांचों का कॉम्बिनेशन आपके लिए रहेगा दोपहर में 2 बजे फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, ठीक है। आप इनको ज्वाइन कर लेना। अनअकैडमी पे दोनों क्लासेस होंगे जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इसके अलावा आपका मैपिंग का क्लास चल रहा है शाम को 4:30 बजे। अगर आप अभी भी इसको नहीं देख रहे हो, आपको लग रहा है कि आप मैपिंग पहले देख चुके हो, आपको अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आपका रिविजन हो जाएगा, जस्ट गो फॉर द रिविजन, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, करंट अफेयर्स का जो क्लास है ये आपका होता था 7 बजे, लेकिन इसके अंदर टाइम में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब ये 6:45 AM पे रहता है, जहाँ पे आपको हर एक न्यूज़ को डिटेल में पढ़ाया जाता है, उसके एनालिसिस के साथ में, उसके साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको बताए जाते हैं जो आपके एग्जाम्स को कवर करता है, ठीक है। चले आइए तो करते हैं यहाँ से शुरुआत और देखते हैं कि भाई कौन कौन से ऐप हैं जो अभी रिसेंट में लॉन्च हुए हैं। देखो, सबसे पहला जो है वो है वाई ब्रेक ऐप। अब आपको मालूम है अभी आई थिंक एक हफ्ता भी नहीं हुआ इसको लॉन्च हुए, ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको लॉन्च किया है। इसके अंदर बोला गया है कि 5 मिनट तो कम से कम आपको योगा को देना ही चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो 5 मिनट योगा के नाम वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। इसी के साथ में ये जो पर्टिकुलर ऐप है इसके अंदर बहुत सारी वेब सीरीज़ भी दिखाई जाएंगी कि किस तरीके से आप अपने आप को फिट रख सकते हो, और यहाँ पे आयुष के अंदर यानी कि 5 चीज़ें, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इनका इस्तेमाल करके आप अपने आप को और भी ज़्यादा फिट बना सकते हो। अगला देखिएगा आनंद ऐप। आनंद ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया गया LIC के द्वारा। इसके अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर बोला गया है कि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से फीडबैक या फिर उनका अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन देने के लिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। LIC का फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलना, ठीक है। अगला 12% क्लब, ये एक लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसको किसने लॉन्च किया है, वैसे ये कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताए दे रही हूँ क्योंकि अगर गलती से कभी सवाल दिख जाए तो एटलीस्ट यू शुड हैव द आंसर। इसका आंसर बनेगा भारत पे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा गूगल पे है, भारत पे है, पेटीएम है, ये जितने भी आपको साइट्स मिलते हैं या जितने भी आपको ऐप मिलते हैं ये सारे के सारे कौन से ऐप हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इन ऐप्स को लॉन्च किया गया है। अगला देखिएगा प्रूफ ऐप। अब आपको मालूम है अभी इतने सारे दिनों से हम आपको प्रूफ ऐप के बारे में पढ़ा रहे थे, इसमें क्या होगा, फोटोग्राफी करी जाएगी, यानी कि मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पर अगर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है तो वो डेवलपमेंट राइट वे में है कि नहीं है, सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना टाइम और लगेगा, ये सारी चीज़ें कब पता चलेंगी, जब हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ताकि जो प्रॉपर्टी वर्क वहाँ पर हो रहा है या फिर जितना भी लैंड वर्क चल रहा है उसका प्रॉपर एक डेटा ये इकट्ठा कर पाए। अगला ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है, ये वहीं पे लॉन्च करी गई है जहाँ पे अभी हाल ही में बालिका पंचायत की शुरुआत करी गई थी। बालिका पंचायत की शुरुआत इसके साथ में डिफेंस एक्सपो 2022 वाली जो होगी उसका आयोजन भी यहीं पर किया जाएगा। ये कौन सी जगह हो जाएगी, ये गुजरात हो जाएगी, क्या है, गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला सुनिएगा PM दक्ष पोर्टल या मोबाइल ऐप, ये दोनों चीज़ें लॉन्च करी गई हैं अभी हाल ही में, कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो इसको सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, किसके लिए होगा, और वैसी बात है ये डिसेबल्ड के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, अगला है भूकंप अलर्ट ऐप। अब आपको मालूम है कि जो भूकंप है वो मैक्सिमम कहाँ पे आता है, जो हिमालय वाली बेल्ट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा भूकंप आपको देखने को मिलता है, तो ये जो भूकंप अलर्ट ऐप है ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के CM के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और समझ गए होंगे ना हमारा नेता कैसा हो, पुष्कर सिंह धामी जैसा हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि इनके टाइम पे बनना नहीं शुरू हुआ था, बनना तो इनके पहले वाले CM के टाइम पे ही हो गया था। तो फॉर्मर CM
ऑफ उत्तराखंड, नाम कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा। अगला सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड CPGRAMS ये क्या है यार? ये एक कोई ऐप लॉन्च किया गया है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, डिफेंस के सेक्टर में इसको लॉन्च किया गया। अगला, कहा जा रहा है कि इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप जिसका नाम क्या है, विकर बोल लो, क्विकर बोल लो, जो भी आप इसको प्रनाउंस करना चाहते हैं, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है किसने? अमेजोन ने। जियो मार्क करके मत चले आइएगा, क्योंकि जियो ने ऐसा कोई भी ऐप लॉन्च नहीं किया है। नेक्स्ट पे देखिएगा, डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया है NSDC के द्वारा, यानी कि स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको लॉन्च किसने किया है, तो व्हाट्सएप के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एम योगा ऐप, ये तो बहुत ही आसान है। एम योगा ऐप को लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में 7th इंटरनेशनल योगा डे वाले इवेंट पे, जो कि होता है 27th नहीं बल्कि 21st ऑफ जून को मनाया जाता है। जिस पर्टिकुलर डेट को हम सबसे बड़ा दिन कहते हैं ना, दी लॉन्गेस्ट डे जिसे कहते हैं, तो वो भी कब सेलिब्रेट होता है? वो भी इसी दिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। योगा के लिए अगर आपसे योगा सिटी पूछी जाएगी तो ऋषिकेश योगा सिटी हो जाएगी। अगला सवाल, नमस्ते योगा ऐप, ये किसने लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, आयुष मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। आयुष मिनिस्ट्री अभी प्रेजेंट टाइम में किसके पास है? सोनवाल जी के पास में आपको ये मंत्रालय देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सुनिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एक्सरे सेतु नाम का भी हाल ही में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर कोविड से जो लोग अभी या फिर जो पेशेंट्स वगैरह हैं जो सफ़र कर रहे हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपर एक्सरे कराने के लिए ये सुविधाएं दी गई हैं। और ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया अगेन बाय दी व्हाट्सएप, ठीक है। अगला, हिट कोविड ऐप, वेरी कॉमन, या ये तो बहुत ही कॉमन है। कहाँ? बिहार के अंदर। इसमें क्या हुआ था कि अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको कोरोना हुआ है और उसको अगर माइल्ड सिम्टम है, तो उसको घर पर ही जाके सारी सुविधाएँ दी जाएंगी, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ये कहाँ पे हुआ? बिहार के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। अगला, अमृत वाहिनी ऐप, ये जो अमृत वाहिनी ऐप है, इसको लॉन्च किया गया था कि हॉस्पिटल्स के अंदर, आपको पता ही है कि कोरोना के टाइम पे कितनी ज़्यादा मारामारी हो गई थी, बेड्स ही अवेलेबल नहीं थे, तो यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था ताकि जो बेड्स वगैरह हैं वो बुक कराए जा सकें अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जो उस टाइम पे इमरजेंसी में है, ठीक है। तो ये देखो झारखंड के अंदर, ऐसे ही जो था वो एक उड़ीसा के अंदर भी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट सुनिएगा, दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप, ये लॉन्च किया है अभी हाल ही में किसने? तो इसको लॉन्च किया गया है उन बच्चों के लिए जो अपना घर से बैठ के अपने क्लासेस को कर रहे हैं और वो जो कि CBSE बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। इसको इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो बच्चे क्लास 12th में हैं या फिर जो बच्चे क्लास 9th में जाना चाहते हैं, वो अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करें या फिर अपने फ्यूचर के बारे में कौन से सब्जेक्ट्स लें, उसका पूरा का पूरा जो डेटा है, पूरा जो इंटरेक्शन है, वो आपको इस वाले ऐप पे देखने को मिलेगा। अगला सवाल, डैश पार्टनर विद द इंडियन गवर्नमेंट टू रोल आउट अ वैक्सीन फाइंडर टूल, वैक्सीन फाइंडर टूल जो डेवलप किया गया वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ये फेसबुक के द्वारा डेवलप किया गया। अच्छा, ये तो हो गया फेसबुक। अगला देखो, बांग्लादेश ने लॉन्च किया लिटिल गुरु, आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी भाषा के अंदर लॉन्च किया गया, आपको लैंग्वेज बतानी है, तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी? संस्कृत लैंग्वेज के अंदर इसको किया गया है लॉन्च। अगला सवाल, UPI हेल्प ऑन भीम ऐप, भीम ऐप जो है उसके ऊपर आप अगर देखेंगे तो UPI हेल्प, यानी कि आपको जो गर्भयान सिस्टम है, यानी कि जो अगर आप मान लो कोई कंप्लेन करना चाहते हो तो वो कंप्लेन कैसे करोगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऐप देखने को मिलेगा। इसको किसने डेवलप किया है? भाई भीम ऐप है तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यही तो इसको लॉन्च करेगा। नेक्स्ट पे आई बताइए, सुगम्य भारत ऐप, इसको लॉन्च किया गया कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? नेम द मिनिस्ट्री, इसका आंसर हो जाएगा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो वैसे भी नहीं होगा। अगला, स्नेक पीडिया, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? ये तो इजी वाला है यार, ये केरला के अंदर। अगला क्या है, इंडिया का होम ग्रोन ऐप जो है जो इसरो के साथ में मिलकर काम करता है गूगल मैपिंग के लिए, आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि उसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा मैप माई इंडिया इज द कम्प्लीट नेम, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको अभी लेटेस्ट में जितने भी ऐप अभी आए हैं 2021 के अंदर, वो मैंने सारे आपको पढ़ा दिए हैं ताकि आपका प्रॉपर एक रिवीजन हो सके और एग्ज़ाम से पहले आपको पूरी एक लिस्ट भी मिल जाए। तो इन चीज़ों को प्रॉपरली रिवाइज कर लेना और जितना ज़्यादा हो सकता है उनको बार बार रिकॉल करते रहना, क्योंकि रिकॉल नहीं करोगे तो दिक्कत रहेगी। अब आपसे मुलाकात करते हैं 6:45 AM पे। टिल देन सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारिएगा
और क्लास में लाइव आना मत भूला करिए। और अगर आपने पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए तो आपके लिए नया पेड बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम द वेडनेसडे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे EMI का ऑप्शन भी आप अवेल कर सकते हैं। कोड क्या रहेगा? प्रति 10 कोड रहेगा जो आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, चलो, अच्छा, तो मिलते हैं 6:45 AM। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।